मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर वन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टॉपिक टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन टूडेज टॉपिक वी विल डिस्कस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? वो रिएक्शंस जहां पे दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस ताकि दो नए कंपाउंड्स फॉर्म हो सके, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे रिएक्ट करते हैं? अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं और रिएक्ट करते हैं ताकि दो नए कंपाउंड्स फॉर्म हो सके, उनको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है और सोडियम क्लोराइड का हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया। हमने दो टेस्ट ट्यूब में हमने सॉल्ट डाली सिल्वर नाइट्रेट के और वाटर डाल दिया, हमें एक्वस सॉल्यूशन मिल गया सिल्वर नाइट्रेट का। इसी तरह हमने एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का कैसे बनाया? हमने दूसरे टेस्ट ट्यूब ली और उसमें सोडियम क्लोराइड की सॉल्ट डाली और वाटर डाला, तो हमारे को सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन मिल गया। अब हमने सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को इसके साथ मिक्स कर दिया सिल्वर नाइट्रेट के। तो जैसे हमने इन दोनों को मिक्स करा, यहां पे ये आपस में रिएक्ट हुए बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। सिल्वर आयंस किसके साथ एक्सचेंज हुई? क्लोराइड आयंस के साथ रिएक्ट हुई। और सोडियम आयंस किसके साथ रिएक्ट हुए? नाइट्रेट आयंस के साथ। तो इन्होंने आयंस को अपने एक्सचेंज करा और दो नए कंपाउंड्स फॉर्म्ड हुए, AgCl सॉलिड जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट हमें मिला, प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3 का एक्वस सॉल्यूशन। प्रेसिपिटेट का क्या मतलब है? वो इनसॉल्युबल सॉलिड जो सेपरेट आउट हो जाता है सॉल्यूशन में से, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। तो हमारे को यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिला। ये डाउनवर्ड एरो का क्या मतलब है? प्रेसिपिटेट ये दिखा रहा है कि प्रेसिपिटेट बना है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, बेरियम क्लोराइड का हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली उसमें बेरियम क्लोराइड की सॉल्ट ली और वाटर डाल दिया, तो बेरियम क्लोराइड का हमें एक्वस सॉल्यूशन मिल गया। प्लस हमने सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया, हमने सॉल्ट ली और उसमें वाटर डाल दिया, दो टेस्ट ट्यूब ली हमने, बेरियम क्लोराइड का हमें एक्वस सॉल्यूशन मिला और सोडियम सल्फेट का हमें एक्वस सॉल्यूशन हमने बनाया दो टेस्ट ट्यूब में अलग अलग। अब हम इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, तो ये आपस में एक्सचेंज किया इन्होंने आयंस को और आपस में रिएक्ट हुए। बेरियम आयंस किसके साथ रिएक्ट हुए? सल्फेट आयंस के साथ। और सोडियम आयंस किसके साथ रिएक्ट हुए? एक्सचेंज किया आयंस बाय क्लोराइड आयंस। तो हमारे को क्या मिला? BaSO4 सॉलिड एज अ व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट हमें मिला, बेरियम सल्फेट का प्लस NaCl एक्वस सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट क्या है? प्रेसिपिटेट का मतलब है वो इनसॉल्युबल सॉलिड जो सेपरेट आउट हो जाती है सॉल्यूशन में से, वो कहलाता है प्रेसिपिटेट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शंस हैं जहां पे दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं और अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं और दो नए कंपाउंड्स फॉर्म्ड होते हैं, उनको हम रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब है? रिड का मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन। तो वो रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हुए, उस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस भी कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इन टर्म्स को अब हम समझते हैं, ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जो रिएक्शंस में एडिशन हुआ ऑक्सीजन का या फिर रिमूवल हुआ हाइड्रोजन का, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जिन रिएक्शंस में एडिशन हुआ हाइड्रोजन का और रिमूवल हुआ ऑक्सीजन का, उसे हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम रिडॉक्स रिएक्शन को एक एग्जांपल से समझते हैं। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कॉपर प्लस H2O वाटर। तो यहां पे क्या हुआ? कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ एंड
वो किस में चेंज हो गया, कॉपर में, और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या हुआ, वाटर ऐड हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, अभी हमने डिस्कस किया था CuO चेंजेस टू कॉपर, तो यहाँ पे रिमूवल हुआ ऑक्सीजन का, तो उसको रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था रिडक्शन प्रोसेस हुआ, और हाइड्रोजन में एडिशन हुआ ऑक्सीजन का, इट चेंजेस टू, इट बीइंग ऑक्सीडाइज टू वाटर, तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन। हियर वी कैन से दैट कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस टू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस टू कॉपर एंड हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू वाटर। तो इन रिएक्शंस में जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हुए, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो सब्सटेंस जो रिड्यूस्ड हो जाता है, वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ है, तो कॉपर, तो CuO क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पे, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है टू वाटर, इसलिए हम हाइड्रोजन को क्या कह रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कह रहे हैं।